वेलकम टू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भैया को बोलते हैं बाय बाय। हेलो भाई, अरुण पवार इंट्री फिलहाल गोवा वाले बीच पे भाई में। फोन काट पहले फोन काट यार, फोन काट। चल मम्मी बाद में करता हूं, पहले फोन। ओके ठीक है भाई, अभी ये घर पे वीडियो कॉल मिला रखी थी तनिष ने, काट दियो ना पक्का। हाँ। तो घर वालों से मम्मी से बात कर रहा, शर्म आती है आंटी जी, आपको तो पता ही है हमने अभी काटा है। तो फिलहाल भाई हमको आज सेकंड डे अपना गोवा में, आपने मेन चैनल पे वीडियो देखी होगी जहाँ पे हम लोग एक रिजॉर्ट में रुके थे कल। तो भाई अब मेन चैनल पे ये गोवा क्या दिखाऊं भाई मैं, वो गाड़ियों से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा गोवा में क्या कर रहे हैं चिल फन, वो इस चैनल पे डाल देता हूँ मैं। तो फिलहाल हमने ये होटल से ले लिया भाई 3000 रुपीज का, और 2 पर्सन ये इसको हमने भगा दिया, मतलब है वो भी 2 का लेके उसमें 3 आ जाओ, क्योंकि कौन देख रहा है, स्कैम कर दिया ना। हाँ तो भाई वो कल वाला तो ऐसे ही था, उसमें मतलब अच्छा नहीं था यार, वो उनमें बात करने का सऊर नहीं था, और बेकार मतलब उनका सिस्टम अच्छा नहीं था। तो फिलहाल अब हम उठे हैं, कल बीच पे गए थे रात को, वो भी व्लॉग नहीं बनाया यार, 2 तरेपन हो गए ये देखो भाई। तो भाई अब फिलहाल नहा के और फिर बीच देने चलेंगे, अभी तक हमने दिन में बीच नहीं देखा गोवा का, बस ऐसे ही हांड रहे हैं, ऐसे ही डोल रहे हैं, ऐसे ही होटलों में ढूंढते भी मिला, अभी नहा धो के फ्रेश हो के फिर चलेंगे। पीछे दिखा दीजिए अपना रूम, और भी हमने भाई दोस्त हैं पलवल के, वो नहा धो के भी चले गए, अभी मेरे साथ भाई पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओ लगा स्टाइल मारने के चक्कर में, अरे चलो तू ट्राक वाले अब खत्म है ना, खत्म तो ना, आंटी देख लो इसकी हरकत, देख लो आप लाइव क्या क्या करता है ये, फिर मांगेगा नया फोन दिलाओ मेरे को, ले लो नया फोन 15 ले ले अब तू 15। तो भाई अब नहा धो लिए, ये अपना कुछ ऐसा होटल है, ये रूम दिखा देता हूँ चलो आपको मैं 604। भाई ये नहाना पड़ता है तो नहा भी लिए, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है इसका देखो, तो ऐसे क्लोरीन रहता है ना उसमें तो जरूरी है, 2 घंटे नहा के आए हैं हम उसमें। तो भाई सेंट सूट लगा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बीच बूच पे जाना है। ये देखो रूम फर्स्ट क्लास है, ये हमारी डोमिनोज मंगवाया था हमने, और खा पी लिए थोड़ा बच गया इधर थोड़ा ये, और इसको इग्नोर करो, ये ऐसा इस बीच में नहा रहे थे हम लोग, शाम को मजा आता होगा, शाम को लुक वुक आती होगी यार। मोह लगे होटल में तनिष, हमारे अलावा कोई है ही ना दिख है, एक दो ही तो है मतलब, वो तो है वैसा कोई दिख ही ना रहे बताना कोई। भाई गोवा की थोड़ी सी रियलिटी बताऊं मैं आपको, अभी हमने पानी की बोतल मंगवाई, चलो कल बताते हैं हम, कल हम बागा बीच पे गए थे, वहां हम बैठ गए वे रहे ना चेयर वेयर सी, भाई 20 रुपये की फेंटा 50 की, ये 20 रुपये की पानी की बोतल 50 रुपये की, हमने खाने को मंगवा लिया मंचूरी मंचूरी 500 रुपये से नीचे तो कुछ है ही नहीं, स्टार्टर चिली तो 500 रुपये के, इतनी लूट है ना पानी, मतलब अब जैसे मैंने अभी मंगवाई है भाई, ये 20 रुपये की बोतल हमको पता कितने की दी है 70 रुपये की, ऊपर से इस पर 18% GST अलग, मतलब कोई मजाक चल रहा है। अब ऐसा करेंगे भाई, वो मिले इतने में तो वो आती 5 लीटर की बिस्लेरी की, तो अपने पेट लेकर रख लेंगे वैसे भी हम, वैरे वही है यार भाई क्या कर सकते, अब प्यास लग रही तो मजबूरी में पीना पड़ रहा है, नहीं तो वर्थ तो भाई बिल्कुल भी है नहीं। यस कहाँ गए हो पूछे है ना, और एक्साइट ना ली भी, एक तो भैया इतने मल्लू कान की गैल आजा में है ना हम उनके, ओ भैया साइड अपने फरीदाबाद से साइड ना ली भी, वापस यहाँ साइड लेने गए हो गाड़ी लेके, इतने को तेल फूक दे उस दिन गांड रोए को, 2 घंटा है गए दिन कहाँ जावे झूठ बोल के पता ना यार करे तो वो नंबर प्लेट का काम हो जाता। हाँ यार हमें नंबर प्लेट बनवा लेते, वो कामा का चलान कटे हर कोई 500 रुपये ले गए यार, यहाँ पे कोई भी 500 नीचे तो आज तक कोई बात ही ना करे भैया। चलो भाई अब बीच पे चलते हैं, शाम का टाइम हो गया है सनसेट टाइम, देख के आते हैं। एक तो यार गोवा की बहुत मोटी प्रॉब्लम है यार, यहाँ टावर ही नहीं आते यार, मोबाइल डाटा चलता ही नहीं है, वाईफाई भी इनका बेकार सही रहता है। ये होटल हमारा पीछे, तो ये गाड़ी ये नंबर प्लेट टूटी हुई है जिसके ऊपर बहुत पुलिस वाले हमको रोकते हैं, हमने यहाँ पे वो चलाओ गाड़ी चलाओ ब्रो चलाओ ब्रो चलाओ ब्रो आप चलाओ ना कोई भी चला लो यार चला। अरे अच्छा यार चलाई ना अपनी गाड़ी जब तक, ये मोहित भाई है पलवल के रहने वाले हैं, सेक्टर 2 हुड्डा मार्केट,
हुड्डा रेजिडेंस कॉलोनी। ओ यहां तो गाड़ी ना चला, ये अपनी जात में आया है। हां इसको तो दे, इस पर आती कहां है, बाल लगे घर वालों ने बुला दिया ऐसे ही। बेटा जिद कर रहा था तो चलाना चाहता है भाई, चलाओ कैसा लड़का है यार ये। भैया पहुंचा दिए, पहुंचा तो ठीक है बट टेक्नोलॉजी का उपयोग तो कर भाई। भाई मैं टवेरा ड्राइवर हूँ तेरी कसम, टवेरा सीखी मैंने गाड़ी चलानी। होटल की चाबी कहाँ है भाई? अब हम जा रहे हैं अंजुना बीच, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छा सनसेट होता बताया। नहीं और अंजुना जा रहे झुंझुना बजाने। देख क्या बोल रहा है, इतने में तमीज नहीं है क्या, सेंस नहीं है क्योंकि क्या झुंझुना बजाना कोई बेकार काम है यार। कहाँ है तेरा झुंझुना, दिखाइए मिलेगा ना ब्रो। भाई तू वहाँ फरीदाबाद में झुंझुना बजाता है क्या, बैंड बाजे कभी कभार बैंड बाजो में वो जो चलवाइए से चन 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 झुंझुना बजे मुझे पता था इस यही आएगा इसका ये स्टाइल एकदम भाई, बहुत रेस गाड़ी चलाने लग जाता है भाई। ये है भैया अंजुना बीच, ये साइड में मतलब इतना बड़ा है रास्ता, इतनी सी है मात्र, देखो अच्छा। वाह भाई यहाँ से भी बीच ही कहते हैं, वाह कितना भैया यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं गोवा में, तो भाई साहब जैसे हमारा नेट तो चल नहीं रहा है बिल्कुल, तो हमने कहा भैया सर नहीं ले सकते, इसको खाने ही खाने हैं, तो भाई इन्होंने बोला है बाद में कर देना, ले जाओ कोई बात नहीं। वाह वाह कितने गुड लोग हैं भाई साहब, बहुत मज़ा आ गया। देखो टावर कैसे ढूंढने पड़ रहे हैं। ओके ओके बहुत अच्छे भाई, दे दो इसको ले भैया बल्ले। अब बीच बीच से आके अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट 39, यहाँ का एयरपोर्ट बहुत दूर है यार गोवा का, 45 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली भाई हुआ क्या, जो चौथे भाई हमारे साथ है ना ये वाले, तो ये आए तो थे कार से वरना से अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन इनको बहुत दूर लगा ये कि यार घनी दूर है, तो बस की नहीं है मेरे तो गाड़ी से जाना, तो जो इनके फ्रेंड्स हैं वो तो चले गए गाड़ी से, उनके साथ बुरा हुआ, उनके साथ बेचारा ऐसे दोस्त क्या यार। अब हमें से ये कहने लग जाए भैया मैं तो फ्लाइट जा रहा हूँ, मैं तो भाई जिंदगी भर के नहीं कट 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 भाई जाना, जो भाई ऐसी मुसीबत में साथ छोड़ जाए वो दोस्ती क्या, सॉरी ब्रो मत मानना, पर भाई ठीक है चलो, इनको कंफर्टेबल नहीं लगा तो इनकी फ्लाइट है भाई। घर वालों के फोन नहीं दिख रहे क्या आपको? हाँ हाँ भाई तो बता के आना चाहिए ना, कि घर वालों की नजरों में तुम जयपुर तक आए हैं ना सिर्फ। अच्छा वैसे आए हो आप, डिफॉल्टर बने से आए हैं भाई, डिफॉल्टर बने से आए, और सबसे बड़ी बात है घर वालों को दो दिन से ये बोल रहे हैं कि हम रास्ते में। अच्छा अच्छा, तो फिर तो बेस्ट ऑप्शन है भाई, भाई गाड़ी से लगते कम से कम भी 20-21 घंटे जाने में नॉन स्टॉप। 36 हम 36 घंटा में आए भाई, तो रुक के आए ना, रोकने वाला। हाँ हाँ मतलब बहुत टाइम लगता है, फ्लाइट है 2 घंटे में, लेकिन मुंबई ले ओवर है। आज ही बुक करी भाई ने 11,500 की टिकट, रही सी हो तो ऐसी भाई, ये रही सी है खानदानी होते हैं। 3 फ्लोर चलो भाई सका भैया। भैया हम आ गए अब एयरपोर्ट, दिख रहा है आपको, वेलकम टू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया को बोलते हैं बाय बाय, पलवल में जाके करो एंजॉय, ठंड मनाओ सेक्टर 2 में। अरे ओ भाई साहब यहाँ तो इतनी गर्मी है, जैकेट वैकेट पहन जाना वहाँ तो उतरते ही। भैया मैंने पहले ही बाहर रख रखी है जैकेट, हाँ वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है, हमारे वहाँ तो 5 है, यहाँ 30-31 है यार। ओ भाई सब चलो भैया देख लो एयरपोर्ट, भाई मस्त है गोवा का यार, पैसा लगा रखा है इन्होंने भाई की ट्रेन फ्लाइट है ये री मुंबई की रेल है भैया की। भाई 22:45 के भाई, हाँ जी यार पाकिस्तानी ने इस जगह खड़ी करी बोर्ड ही छुप गए हम पे, तो पहली बार गाड़ी चला रहा है क्या पाकिस्तानी, भाई यू कहा करे खड़ी ब्रेक मारो पीछे गाड़ी। ओके मोहित ओलियान भाई जाट भाई
भाई को 45,000 सब्सक्राइबर भाई शायरियों पे रील डालते हैं वो फॉलो होने शायरी जिनका भाई कहाँ से ढूंढते हो शायरियों को जो वो भाई दिल की बातें हैं वो ऐसे शेयर नहीं करी जाती जैसे आप पूछ रहे हो आगे लगाओ गाड़ी भाई तो नोटी भी है लिटिल लिटिल से भाई यार वैसे उन बेचारों का सोचो जो भाई गए यार भाई तो उनका दर्द आ रहा बोर हो जाएंगे बोर उसके पापा का फोन आ रहा है जब भी शर्म नहीं आ रही भाई ने यहीं से जैकेट पहनी यहाँ तो कोई पागल बताया को यार ये बंदा अच्छी जैकेट पहन के घूम रहा है ओके भाई चलो जी ठीक है प्यार से जाओ ओके से ओके हम तो बहुत दूर जाएंगे भाई अभी ओके लव यू ब्रो भाई तो उड़ जाएंगे 2 घंटा में पलवल ओके भाई चलो ओके भाई एक मिनट बंद कर ले इसको अच्छा भाई वैसे गोवा एयरपोर्ट की ना एक खास बात हो रहा है यहाँ ना ओला उबर ना है तो यहाँ से बड़ा महंगा है आकाश बता रहे मैं तो कभी आया नहीं इधर उससे तो ये ना बहुत महंगे रेट लेते हैं टैक्सी पीले वाले जो है क्योंकि 45-50 किलोमीटर दूर है तो 2,000 1,700 इतने भाई अब देखो टाइम हो गया 1:26 भाई को छोड़ के हम आ गए यहाँ पे बीच पे यार हम सो गए 1 घंटा के लिए रूम पे जाके फिर ये भाई कहने लग गए कि यार भाई चलो यार अपने घर भी सो जा मैं बीच पर तो चले कल ला भाई देखो 1:30 सब सामान बिकता है इधर हमने तो अपने ये ले लिए वाटरमेलन वगैरह और आराम से चिल लाइफ ये बागा बीच यार डीजे वीजे बंद हो जाए भाई 10-11 के बाद मेरे ख्याल से यार बढ़िया यार यहाँ पर आलती पालती मार बैठ भाई इन पे बैठोगे ना भाई साहब इतना महंगा है ना मतलब 20 की कोई चीज़ 50 की MRP 20 की 50 की तो कुछ खाने के मंगवा लिए 500 जेब तक गए और यू ना यार गाड़ी की ऐसी रेड करवा रखी है पुलिस वाले 500 भी ना माने ही ना नंबर देखते ही पेंसिल से तो लिख रखी है माने ही ना यहाँ पे भाई अगर आपकी टेम्परेरी नंबर है ना तो भाई थोड़ा सा ना अवॉइड करो मतलब या तो नंबर पे ढंग से लिखवा के लेके आओ प्रॉपर है ना स्टिकर वगैरह वाली जो प्रॉपर कंप्यूटर से कटी हुई हो एक एक डिजिट या अपने नंबर लगवा के लाओ नंबर प्लेट और RC मजा आ कोई हाथ दे जाए तो ये तो हमें आगे जोश जोश में बस पूछी ताची ना मोते बगिया ही नहीं खामा का नहीं तो अलॉय भी लगवाते गाड़ी पे सब चीज़ करवाते कोई ना आप जाके करवा लेंगे तो। नहीं नहीं देखो भाई 1:30 क्या क्या बेचते हैं लोग बाग नहीं 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 थैंक यू रेडियम चाहिए वो चाहिए पता नहीं क्या होता है रेडियम पेडियम और यही लोग इसमें अपना सॉल्ट मिलाते रहते हैं ये देखो सेम दो चीज लिखी हुई है भाई इसके अंदर बट जब मेरे ख्याल से तो है ना कुछ बिल्कुल सील पैक है इतनी छोटी सी पन्नी है चटनी ओके ये कहा अच्छा है।